नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आ गए हैं हम अपने नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने चैप्टर 1 को डिटेल में डिस्कस किया था। यदि आप फूड अथॉरिटी को डिटेल में जानना चाहते हैं और इनके मेंबर्स का के पावर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर टू है आपका, इसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सेक्शन 4, जैसा कि चैप्टर 1 में हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 तक डिस्कस किया था, यहां चैप्टर 2 में सेक्शन आगे के सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 4 है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI कैसे एस्टेब्लिश हुआ, इसको सेक्शन 4 के तहत एस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका है। देन है आपका सेक्शन 5, इसमें क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। फूड अथॉरिटी में जो चेयरपर्सन है और मेंबर है उनको अपॉइंट करने के लिए उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, देन सेक्शन 6 आता है, इसमें आपका सिलेक्शन कमिटी है। सिलेक्शन कमिटी ही आपके चेयरपर्सन और मेंबर फूड अथॉरिटी के मेंबर को ये सेलेक्ट करता है, ये रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन है आपका सेक्शन 7, सेक्शन 7 में आपका है टर्म ऑफ ऑफिस, है ना, क्या सैलरी होगी जो मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन है, क्या अलाउंसेस मिलने हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। देन है आपका सेक्शन 8, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी, किस कंडीशन में हम चेयरपर्सन या मेंबर जो है फूड अथॉरिटी को उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। देन सेक्शन 9 है ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी। देन सेक्शन 10, फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सीईओ है उसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, फिर सेक्शन 11 में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी क्या होता है। फिर सेक्शन 12 है आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। फिर आता है सेक्शन 13 में साइंटिफिक पैनल्स, क्यों बनाया जाता है साइंटिफिक पैनल। ठीक है, फिर सेक्शन 14 में डिस्कस करेंगे साइंटिफिक कमिटी क्या होता है, कैसे बनता है साइंटिफिक कमिटी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। देन आता है आपका सेक्शन 15, इसमें प्रोसीजर देखेंगे कि साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल में कैसे कैसे कोई वर्क है वो चलता है। ठीक है, फिर है सेक्शन 16, इसमें है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी, और ये सेक्शन मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। देन आता है आपका सेक्शन 17, प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी, ये भी मैंने डिस्कस कर चुका है, आप देख सकते हैं। तो जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ओके, सो फूड अथॉरिटी, जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है फूड अथॉरिटी का, इसमें फूड अथॉरिटी जैसे आपको पता है इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर्स होते हैं, मतलब टोटल 23 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको देखो, फूड स्टैंडर्ड है, इसमें क्या होता है साइंटिफिक कमिटी है, साइंटिफिक कमिटी में कौन कौन होता है, चेयरपर्सन होता है साइंटिफिक पैनल का और 6 इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। देन आपका 17 साइंटिफिक पैनल्स अलग से बनाया जाता है। कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन, ये क्या होता है, कंप्लायंस मतलब किसी भी चीज को जैसे आपका फूड अथॉरिटी उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, लागू करना है, कैसे कैसे करोगे, इंस्पेक्ट करना है कि आपका जो आप लागू किए वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको कौन कौन हैंडल करेगा, आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है, स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमिटीज है, ये सभी मिलकर इसको हैंडल करेंगे। सेंट्रल जो है वो सेंट्रल लेवल से कंडक्ट होगा, स्टेट लेवल है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल है। उसके बाद है, चलो देखते हैं आप सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या है आपका, कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए जो चेयरपर्सन और अदर मेंबर है उनको अपॉइंट करने के लिए फूड अथॉरिटी में। ओके, सो चेयरपर्सन और मेंबर जो होंगे उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए इनका। ठीक है, उसके बाद अपने फील्ड में ब्रॉड रेंज एक्सपर्टाइज होना चाहिए। देन है उनको पूरे कंट्री में जो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
फिर बोला गया है कि द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स द पर्सन ऑफ इमिनेंस इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस और फ्रॉम अमंग्स द पर्संस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन हु हैव बीन एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट एंड इज आइदर होल्डिंग और हैज हेल्ड द पोजिशन ऑफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो इसका रैंक है चेयरपर्सन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के रैंक से कम नहीं होना चाहिए. ओके और कहाँ से ये लेगा मेंबर, ये चेयरपर्सन को कहाँ से लेगा, जो फूड साइंस के फील्ड में एक्सपर्ट हो या उस संबंधित सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट हो तो उसे चेयरपर्सन लिया चेयरपर्सन के लिए लिया जाएगा. और इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी. ठीक है, फिर है आपका द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स इंक्लूडिंग पार्ट टाइम मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द फूड अथॉरिटी मे बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपॉइंट करेगा लेकिन उसको रिकमेंड कौन करेगा, उसको सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड करेगा. ओके, देन द चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस. अब चेयरपर्सन है तो उसको कोई अदर ऑफिस को होल्ड नहीं करना है. देन है आपका सेक्शन 6. सेक्शन 6 में क्या है, सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी. जो फूड अथॉरिटी के चेयरपर्सन है और मेंबर है उनको सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन कमिटी बनाया गया. अब इस सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होगा, ठीक है, तो जो चेयरपर्सन होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा. ठीक है, अब मेंबर्स कहां कहां से होंगे, सेक्रेटरी इंचार्ज है ना, सेक्रेटरी इंचार्ज होगा किसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इस एक्ट के संचालन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के का सेक्रेटरी इंचार्ज होगा, है ना. और कौन होगा, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ द डिपार्ट और द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विथ हेल्थ लेजिस्लेटिव एंड पर्सनल. देन और कहां से होगा मेंबर, चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, यहां से होगा मेंबर. देन एन इमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से लेता है, किसी भी नेशनल रिसर्च या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से है, वहां के डायरेक्टर या हेड को वो इमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट के प्लेस पे लेता है, यहां पर नॉमिनेट किया जाता है. ये बताया गया सेक्शन 6 में. अब है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल विद इन 2 मंथ. अब देखो क्या होता है कि कोई भी जैसे कि कोई मेंबर या चेयरपर्सन जैसे कि एक्सपायर हो जाता है या कोई रिजाइन देता है तो उसके 2 महीने के अंतर्गत है ना, 2 मंथ के ही अंतर्गत उसको आपको अपॉइंट करना है, उस वैकेंसी को फिल करना है. या यदि कोई रिटायरमेंट होता है तो उसके रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही आपको उसको फुलफिल कर लेना है. ओके, अब इसको कौन रिकमेंड करेगा, जैसे पहले ही मैंने बता चुका है सिलेक्शन कमिटी जो है विद इन 2 मंथ वो चेयरपर्सन या मेंबर जो होंगे फूड अथॉरिटी के लिए चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, रिकमेंड कर लेंगे. अब एक एक प्रत्येक वैकेंसी के लिए है ना, एक सीट है तो वो 2 नाम सजेस्ट करना होगा सिलेक्शन कमिटी को. ओके, देन है आपका सेक्शन 8. सेक्शन 8 में आपका बताया गया है कि चेयरपर्सन और मेंबर को, जो फूड अथॉरिटी के चेयरपर्सन मेंबर है, किस कंडीशन में आप उसको रिमूव कर सकते हो, क्या कंडीशन है जिसमें उनको रिमूव किया जा सकता है. तो इसमें क्या है, यदि वो मेंबर या चेयरपर्सन क्या होता है, दिवालिया घोषित किया गया है ना, ये एक कंडीशन हो गया. दूसरा क्या कंडीशन है, यदि कोई वो एक ऐसा अपराध कर देता है जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में करप्शन की कैटेगरी में आता है. ओके, ये एक कंडीशन हो गया. नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका, हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर. वो कैपेबल नहीं है मेंटली रूप से तो उसको उसको भी निकाला जा सकता है. ओके, देन नेक्स्ट है आपका हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट. उसको यदि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया, उसको करप्शन लेने की आदत हो गई तो वो पब्लिक के बेनिफिशियल के लिए कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगा है ना, तो उस कंडीशन में निकाल सकता है. यदि नेक्स्ट कौन सा कंडीशन है, यदि वो अपने पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है तो उस कंडीशन में भी पब्लिक के लिए सही से वो न्याय नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में भी उसको निकाला जा सकता है. ओके, अब नंबर 2 देखो, नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड अंडर क्लॉजेस डी एंड ई ऑफ सबसेक्शन 1 अनलेस
ही हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड इन द मैटर। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी आपको देना है, डी और ई सेक्शन के तहत आप उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उनको अपनी सफाई देने का एक मौका देना है कि आप भी अपने तरफ से बताओ कि क्या ये कारण है। ओके, देन सेक्शन 10 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के फंक्शन के बारे में, क्या क्या फंक्शंस प्ले करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मींस सीईओ। ओके, सो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फूड अथॉरिटी एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किन किन चीजों के लिए सीईओ रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सीईओ ही लीगल रूप से फूड अथॉरिटी को क्या करता है, ये ऑपरेट करता है। ओके, सो फर्स्ट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी, ये फूड अथॉरिटी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग अप ऑफ प्रपोजल फॉर द फूड अथॉरिटीज वर्क प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, तो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी से सजेस्ट से कंसल्ट करके, विचार विमर्श करके ये फूड अथॉरिटी के लिए क्या क्या स्कीम्स बनाने हैं उसके ऊपर ये प्रपोजल देता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द वर्क प्रोग्राम्स एंड डिसीजन अडॉप्टेड बाय फूड अथॉरिटी, अब जो फूड अथॉरिटी जो प्रोग्राम को वो अडॉप्ट कर लिया, जो डिसीजन जो बना है उसको अडॉप्ट कर दिया, तो उसको ये इम्प्लीमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है एंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट साइंटिफिक टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फॉर द साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल, जो साइंटिफिक कमिटी बनाने हैं साइंटिफिक पैनल बनाने हैं उसके लिए उपयुक्त आपको साइंटिफिक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका है, सीईओ का है। ओके, देन ये क्या करता है, एंश्योरिंग दैट द फूड अथॉरिटी कैरीज आउट इट्स टास्क एंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स यूजर्स, मीन्स आपकी यूजर्स हैं, पब्लिक है, उसके लिए ये कैसे ये जो टास्क है उसको सही तरीके से कर पा रहा है। अब ये करने का ये मतलब है कि जो टास्क है उसको सही तरीके से करना है और एक अप्रोप्रिएट टाइम में करके देना है। ओके, देन कोई भी स्टेटमेंट बनाना है रिवेन्यू के लिए, राजस्व के लिए, है ना, क्या खर्च होना है, कितना खर्च होना है, उसके लिए बजट तैयार करना फूड अथॉरिटी के लिए, ये काम करता है सीईओ। फिर क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कॉन्टेक्ट बना के रखता है, किसी भी चीज में डिस्कस करना है, ये उसका काम है। नेक्स्ट क्या है, सीईओ जो है कुछ जो भी चीजें करता है तो उसको अप्रूवल के लिए हर साल वो फूड अथॉरिटी को भेजता है, क्या क्या चीजें भेजता है, जैसे कि एक जनरल रिपोर्ट देगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है उसका, कोई भी नया स्कीम्स किसी भी वर्क के लिए कोई भी स्कीम्स करते हैं बनाते हैं उसका अप्रूवल करने के लिए देगा, फिर प्रीवियस ईयर में क्या क्या अकाउंट्स है, पैसों का लेन देन हुआ था, है ना, फिर नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए बजट बनाना है, तो ये सभी चीजें वो अप्रूवल के लिए फूड अथॉरिटी को देता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि आपका जो सीईओ है वो जो जैसे कि जो भी जनरल रिपोर्ट और प्रोग्राम्स वो अप्रूवल के लिए दे दिया फूड अथॉरिटी को, अब फूड अथॉरिटी ने क्या कर लिया, उसको अप्रूवल दे दिया, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर लिया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वो पब्लिश करने के लिए भेज देता है। ओके, देन है आपका द सीईओ सेल अप्रूव ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड रिपोर्ट ऑन द अथॉरिटीज एक्टिविटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी के द्वारा जितना भी खर्चा किया गया है जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, ओके, एंड रिपोर्ट है ना, जो भी एक्टिविटीज हुआ उसके ऊपर का जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, ठीक है, कौन देगा, सीईओ। ओके, सीईओ क्या कर सकता है, ये फूड सेफ्टी कमिश्नर का पावर यूज कर सकता है, किस कंडीशन में करेगा, यदि फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर इश्यू होता है तो वो सीईओ जो है वो डायरेक्ट फूड सेफ्टी कमिश्नर के जैसा भी रोल प्ले कर सकता है, वो सारे उसके पावर यूज कर सकता है। ओके, देन है आपका सीईओ सेल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर जितने भी ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉइज है ना फूड अथॉरिटी के, उनके ऊपर उनका कंट्रोल जो है वो सीईओ के हाथ में होता है। देन सेक्शन 11 है आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। ओके, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी जो है ये नोटिफिकेशन के फूड अथॉरिटी बनाता है इसको, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी को, ठीक है, ये कैसे बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेंबर्स इच टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट्स ऑफ फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर्स, रिलेवेंट रिसर्च बॉडीज एंड फूड लैबोरेटरीज
एंड ऑल कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी शैल बी एक्स ऑफिशियल मेंबर। तो इन सब से बनता है आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, आगे देखेंगे कि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का फंक्शन क्या है, ये है सेक्शन 12। ठीक है, तो यहां जानेंगे सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी एडवाइस दे सकता है फूड अथॉरिटी को कहां किन किन चीजों में एडवाइस दे सकता है, जैसे कि द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर क्या 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 ड्यूटीज हैं, है ना, उन ड्यूटीज के परफॉर्मेंस को वो बता सकता है। ओके, देन ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क, किस वर्क को पहले करना है, किसको प्राथमिकता देना है, जैसे कि किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट के एमएलए को देख लो, है ना, कोई भी वर्क है तो उसको जैसे कि कौन सा वर्क कितने बजट में होना है, कौन सा वर्क ज्यादा जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रायोरिटाइजेशन देता है कि इस वर्क को पहले प्राथमिकता दो, ये ज्यादा जरूरी है, इसमें इतना फंड खर्च करना है। तो ये काम करता है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। देन क्या है, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, है ना। देन पूलिंग ऑफ नॉलेज, पूलिंग ऑफ नॉलेज मीन्स क्या होता है, ये ग्रुप डिस्कशन करते हैं आपस में बैठकर, जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपस में बैठकर अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, अपने अपने नॉलेज शेयर करते हैं, इससे एक निष्कर्ष निकाला जाता है, किसी टॉपिक पर कोई भी इशू होता है तो उसका क्या उसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, और जितने और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया गया है, है ना। देन है आपका द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल मीट रेगुलरली एट द इनविटेशन ऑफ द चेयरपर्सन, है ना, जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का जो चेयरपर्सन है उसके इनविटेशन पे, या जो इनके मेंबर्स हैं सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के, तो कम से कम 1/3 मेंबर यदि एग्री हो जाते हैं तो इनको मीटिंग करना होता है। ओके, कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 13। सेक्शन 13 है आपका साइंटिफिक पैनल्स। ओके, सो साइंटिफिक पैनल, पहले तो ये जानो कि साइंटिफिक पैनल क्यों बनाया गया। साइंटिफिक पैनल जो है अलग अलग फील्ड में उसमें क्या एक्सपर्टाइज, क्या एक्सपर्ट व्यू दे सकते हैं, इसके लिए साइंटिफिक पैनल बनाया जाता है। इसमें क्या इसमें कौन होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब क्यों अलग अलग साइंटिफिक पैनल बनाया गया, किस किस चीज पर बनाया गया, जैसे कि फूड एडिटिव्स हो गया, फ्लेवरिंग है, प्रोसेसिंग एड्स है, मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विद फूड, ओके, देन पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड फूड्स, देन है आपका फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटेटिक प्रोडक्ट्स एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, कंटामिनेंट्स इन द फूड चेन, लेबलिंग, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। तो इन सब के ऊपर साइंटिफिक पैनल बनाया गया। इन टॉपिक्स पे क्या देता है, एक्सपर्ट व्यू दिया जाता है। ठीक है, और फ्यूचर में जो भी इसमें इंक्लूड करना है वो भी कर सकते हैं साइंटिफिक पैनल में, कि देन नेक्स्ट अब द फूड अथॉरिटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रिकंस्टिट्यूट द साइंटिफिक पैनल। अब क्या कर सकता है फूड अथॉरिटी, अपने साइंटिफिक पैनल को फिर और बना सकता है ना, इसमें कुछ नए मेंबर ऐड कर सकता है, कुछ को निकाल सकता है ना, तो इससे कुछ चेंजेस करके, है ना, तो ये इस तरह से करता है। देन सेक्शन 14 है आपका साइंटिफिक कमिटी। ओके, सो साइंटिफिक कमिटी में कौन कौन होता है, इसमें साइंटिफिक पैनल का चेयरपर्सन होता है और 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं। ओके, देन साइंटिफिक कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक ओपिनियन टू द फूड अथॉरिटी। ये फूड अथॉरिटी को साइंटिफिक ओपिनियन प्रोवाइड करता है और एंड शैल हैव द पावर्स वेयर नेसेसरी और ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हियरिंग्स, जहां पर पब्लिक को सुनना है, पब्लिक की जरूरत को सुनना है, वहां पर ये अपना एक जहां जरूरत है वहां अपना पावर यूज कर सकता है। ओके, देन द साइंटिफिक कमिटी शैल प्रोवाइड ओपिनियंस ऑन मल्टी सेक्टरल इश्यूज फॉलिंग विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ मोर देन वन साइंटिफिक पैनल एंड ऑन इश्यूज विच डू नॉट फॉल विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ एनी ऑफ द साइंटिफिक पैनल। जो भी साइंटिफिक पैनल के अंतर्गत आता है, उनकी सीमा के अंतर्गत आता है ना, मल्टी सेक्टरल ओपिनियन देना है, या जो उनके कॉम्पिटेंस से बाहर है उस पर भी ये अपना ओपिनियन दे सकता है साइंटिफिक कमिटी। ओके,
देन है आपका सेक्शन 15, इसमें क्या है प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल, कैसे कैसे प्रोसीजर होते हैं साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल के। तो देखो यहाँ पर जो द मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक कमिटी हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक पैनल एंड मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक पैनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द फूड अथॉरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए इनको क्या किया जाता है अपॉइंट किया जाता है, विच शैल बी रिन्यूएबल फॉर सच पीरियड एंड द वैकेंसी नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन द रिलेवेंट लीडिंग साइंटिफिक पब्लिकेशंस एंड ऑन द फूड अथॉरिटीज वेबसाइट, जो भी फूड अथॉरिटी की वेबसाइट है वहां पर ये अपना नोटिफिकेशन आउट कर देते हैं। ओके जो साइंटिफिक पैनल साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल है उसमें चेयरपर्सन है और चूज किया जाता है वो इनके मेंबर से ही चेयरपर्सन चूज किया जाता है। देन आपका द साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल शैल एक्ट बाय अ मेजोरिटी ऑफ देयर मेंबर्स एंड द व्यूज ऑफ द मेंबर्स शैल बी रिकॉर्डेड, ये कोई भी काम करता है तो इनके मेंबर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर द ऑपरेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल शैल बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, जो भी ऑपरेशन करना है ये सारी चीजें आपके रेगुलेशन में मेंशन होने चाहिए। देन सो होप सो कि आपको सारे सेक्शंस इसके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेक्शन 16 मैंने पहले ही बता चुका है कि मैंने सेक्शन 16 और सेक्शन 17 मैंने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं foodtechinsight@gmail.com पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।